देखो, आज हम लोग करने वाले थे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। ओके, तो टाइप्स ऑफ प्लास्टिक में मेजर जो प्लास्टिक हम लोग फॉर्म करते हैं, दोज आर टू टाइप। ओके, वन इज वन इज थर्मोप्लास्टिक एंड अनदर इज थर्मोसेटिन प्लास्टिक। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मो सेटिन प्लास्टिक। ओके, तो थर्मोप्लास्टिक क्या है? थर्मोप्लास्टिक दो काइंड ऑफ प्लास्टिक होता है, जो दो काइंड ऑफ प्लास्टिक जिसको अगर हम लोग हीट सप्लाई दिए तो वो मेल्ट हो जाएगा। ओके, एंड मोल्ड होने के बाद वो वापस से अपना शेप चेंज कर सकता है। ओके, विच कैन बी चेंज इट शेप बाय हीटिंग अगेन एंड अगेन। जितनी बार भी हम लोग हीट सप्लाई करेंगे, ये अपना शेप चेंज करते रहता, मेल्ट होते रहता, मोल्ड होते रहता, उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिन प्लास्टिक मतलब अगर हम लोग हीट सप्लाई जितना भी करें वो मेल्ट नहीं होता है, ठीक है, मोल्ड नहीं होता है, उसको बोलते हैं थर्मोसेटिन प्लास्टिक। मतलब एक बार जो उसका शेप बैठ गया, बस वो अपना शेप में फिक्स्ड हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोसेटिन प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक का डेफिनेशन देखते हैं, दोस काइंड ऑफ प्लास्टिक विच कैन बी सॉफ्टेन रिपीटेडली बाय हीटिंग एंड कैन बी हाय, দেখি মোল্ডেড। হয়নি এক্সট্রাকশন কি করাচ্ছে? আরে প্লাস্টিক সেটা পড়েছে কেমিস্ট্রি। into different shapes again and again is known as thermoplastic. ठीक है, is known as thermoplastic. तो अभी देखो, अगर thermoplastic तो हम डेफिनेशन के हिसाब से तुम लोग तो दोनों समझा ले, डेफिनेशन के हिसाब से याद रख दे तो सारा आंसर बन जाएगा। डेफिनेशन भी आता है, डेफिनेशन भी आता है, डिफरेंसेस आता है, प्रॉपर्टीज आता है, सारा इसी कॉलम से तुम लोग तो लिखने में इजी होगा। तभी तो क्या बोला कि थर्मोप्लास्टिक सॉफ्ट हो जाता है जब हम लोग हीट करते हैं और वापस से वो अपना शेप चेंज करते हैं, डिफरेंट शेप में कन्वर्ट हो जाता है जितने बार करो। तो अभी बताओ, अगर ये सॉफ्ट हो जाता है हीट करने पर तो दे आर फ्लेक्सिबल और नॉट? फ्लेक्सिबल दे आर फ्लेक्सिबल, क्योंकि अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं हुआ मतलब क्या होता है, रिजिड हो जाता है। तो अगर रिजिड हो गया मतलब वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा, शेप चेंज कर रहा है मतलब दे आर फिजिबल फ्लेक्सिबल, दे कैन बी कन्वर्टेड इन टू एनी शेप। ठीक है, नाउ अगर इजीली हम लोग हीट करने पर वो मेल्ट हो जा रहा है, मोल्ड हो जा रहा है, तो जो बॉन्ड से थर्मोप्लास्टिक मतलब एक पॉलीमर ही है बेसिकली, तो पॉलीमर के अंदर मोनोमर से सारे मोनोमर से एक दूसरे के साथ कलेक्ट होने के बाद पॉलीमर बना, तो वो जो बॉन्ड है बिटवीन मोनोमर्स दैट विल बी स्ट्रॉन्गर और दैट विल बी वीकर।
for thermoplastics? So that will be सर weaker as compared to वीकर, thermosetting plastics. इट विल बी वीकर. तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? बॉन्ड्स बिटवीन मोनोमर्स या फिर मॉलिक्यूल्स, कुछ भी बोल लो, इज कंपेरेटिवली वीकर. कंपेरेटिवली मतलब किससे कंपेयर? थर्मोसेटिंग. कंपेरेटिवली वीकर वन. ठीक है सर. हाँ सर, व्हाट इज बॉन्ड? व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड हुआ है, जैसे मान लो मेरे पास ये एक मोनोमर है, ये भी एक मोनोमर है, दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तब जाते न्यू, वेटिंग रूम में प्रॉब्लम, तब जाते न्यू मेरा ये फॉर्म होगा, मतलब पॉलीमर. ये मोनोमर था, ये मोनोमर था, दोनों आपस में कंबाइन किया तब जाते मेरा ये बना, पॉलीमर बना. ठीक है, तो ये जो कंबाइन किया ना, तो उस कंबाइनिंग तो हम लोग बोलते हैं बॉन्ड, मतलब एक एट्रैक्शन, दोनों के बीच में जो एट्रैक्शन है दैट इज नोन एज बॉन्ड्स. ठीक है, तो इधर बॉन्ड्स लिखते या एट्रैक्शन भी लिख सकते हो. बॉन्ड मतलब बेसिकली एट्रैक्शन ही होता है. नाइन में जाकर हम लोग बॉन्ड अच्छे से पढ़ेंगे. तो बॉन्ड या फिर एट्रैक्शन बिटवीन मोनोमर्स और मॉलिक्यूल्स इज कंपैरेटिवली वीकर. ठीक है, जैसे हम लोग देखें कि आयरन तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, वो मेल्ट होता है, फिर उसको पीट पीट से अलग से शेप दिया जाता है, फिर उसको तुल कर देते हैं, तो तुल करने पर वो अलग अलग शेप ले लेते हैं. वैसे ही थर्मोप्लास्टिक भी है, उस पर हीट करते हैं, वो मेल्ट करता है, फिर उसको हम लोग डिफरेंट शेप में तुल करने के बाद डिफरेंट शेप जो होता है वो डिजायरनेस पे आ जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका एग्जांपल क्या क्या है. थर्मोप्लास्टिक जो है वो मेरा एग्जांपल क्या क्या बनता है. तो देखो, जो पॉलीथीन है, पीवीसी है, ये सब मेरा होता है थर्मोप्लास्टिक. ठीक है, तो अभी याद करो पॉलीथीन और पीवीसी का यूजेस हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो पॉलीथीन पीवीसी ये सब हुआ थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल. अभी देखो, जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक का जो बॉटल है, प्लास्टिक का जो जार से, वो सब मेरा थर्मोप्लास्टिक है, बिकॉज उसी तो मेल करते यूज किया जाता है बार बार. ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट देखते हैं. थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है? ये जो आप सब अरेंजमेंट है. एक्सक्यूज मी सर. यस सर, आप पेज को पोर्ट्रेट कर दीजिए ना, ऐसे लैंडस्केप हो गया तो दिख नहीं रहा ठीक से. ओके सर, थैंक यू सर. Arrangement of molecules is linear. मतलब क्या होता है? देखो, ये एक मोनोमर है या फिर एक मॉलिक्यूल है, तो ये क्या होता है ना, आपस में साथ, आपस के साथ लीनियरली बॉन्डेड रहेगा, आपस में ये लीनियरली बॉन्डेड रहता है लाइक दिस. लीनियरली बॉन्डेड. ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का लाइन बनाए, ग्रीन कलर का लाइन दैट इज नोन एज बॉन्ड. बेसिकली वो एट्रैक्शन तो शो करता है, तो उसी तो हम लोग बोलते हैं बॉन्ड्स.
ठीक है। अभी देखो हम लोग तो थर्मोप्लास्टिक जो है उससे हम लोग क्या क्या बनाते हैं, प्लास्टिक, प्लास्टिक जार, बॉम्ब, टॉय, प्लास्टिक बैग, रेन टोल्स, ये सब जितने भी है वो सब होता है मेरा थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, मतलब दे कैन बी इजिली मोल्टन डाउन एंड मोल्डेड एंड कन्वर्टेड टू द डिफरेंट शेप। ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट होता है थर्मोप्लास्टिक में, ये याद रखना। नोट डाउन करो फिर थर्मोसेटिंग लिखा ले। सर डन, सर डन, सर डन, सर डन। तो तेरा ऊपर का दिखाइए ना, ऊपर का हाँ सर, हो गया। और एक बात याद रखना थर्मोप्लास्टिक में, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है ना, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि बहुत कम ही प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो do not conduct electricity, so they are used for making insulation of electric wires. ये basically difference नहीं होता, similarities point जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी plastic electric conduct नहीं चलता है। इलेक्ट्रिक वायर्स का जो ऊपर इंसुलेशन होता है वो हम लोग इससे बनाते हैं, जैसे पता है पीवीसी का तो टिन दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये थर्मोप्लास्टिक के पॉइंट्स में उसे लिखना है। सर, कोई प्लास्टिक के इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट होता है? नहीं, कोई नहीं करता, इसका यूज करते हम लोग इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स के लिए, मतलब ऊपर होता जो टोटिन होता है उसके लिए। और इसका जो यूजेस होता वो हम लोग बेसिकली थर्मोसेटिन जो है वो हार्ड सब्सटेंसेस, मतलब वो बेटलाइट मेलामाइन, तो वो सब क्या देते हैं, स्विच वगैरह बनाते हैं, और इसका इलेक्ट्रिक वायर सब इंसुलेशन, बस वही डिफरेंस होता, तो यूजेस में अलग अलग डिफरेंस होता। सर, सर द प्लेन वी यूज देयर ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक? द पेन, पेन अगर हम लोग तो ये नॉर्मल पॉलीथीन से बनता है, ठीक है, इसको हम लोग वापस से रीयूज कर सकते हैं नॉर्मल प्लास्टिक वाला पेन को, लेकिन जो हार्ड पेन होते हैं वो शेप चेंज नहीं करते, ठीक है। डन? यस सर। ओके, देखो थर्मोसेटिंग का डेफिनेशन, दोस काइंड्स ऑफ प्लास्टिक व्हिच वांस सेट देन डज नॉट बिकम soft on heating and cannot be molded, cannot be molded next time वो molded नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं thermosetting plastic। एक बार वो fixed होते तो फिर वो अपना शेप चेंज, ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग क्या था, थर्मोप्लास्टिक में दे आर फ्लेक्सिबल, तो ये क्या हो जाएगा, दे आर रिजिड, मतलब वो एक जगह पर फिक्स हो जाता है, दे आर रिजिड। इसमें क्या होता है, बॉन्ड्स और अट्रैक्शन, बॉन्ड्स और अट्रैक्शन बिटवीन मोनोमर्स और मॉलिक्यूल्स, ये भी आर होगा, मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्गर। एग्जाम्पल होंगे आपसे जो भी हार्ड वाले सब्सटेंसेस थे जिससे हम लोग बनाते थे, देखो मेलामाइन, बेथेलाइट, ये सब हो जाएगा थर्मोसेटिन प्लास्टिक का एग्जाम्पल। ठीक है, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का तो प्रोटीन होता है ना प्लास्टिक का, जिन्हें वो हार्ड सर्फेस में, तो वो एक प्रोटीन जाता है। सर टेफ्लॉन थर्मोप्लास्टिक्स होता है ना? हाँ, मतलब उसका तो हम लोग सिर्फ प्रोटीन जाता है ना, उसको तो हम लोग मोल्ड कर ही सकते हैं। यस नेक्स्ट अरेंजमेंट क्या बताए थे थर्मोप्लास्टिक में, लीनियर, और इसमें अरेंजमेंट ऐसे होंगे क्रॉस लिंक अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉस लिंक। अब क्रॉस लिंक का मतलब देखो, देखो इसमें ये आपस में लिनियरली बॉन्डेड है, लिनियर बॉन्डेड तो हम रेड से दिखा ले, ठीक है, और उसके बाद ये फिर एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक्ड हो जाएंगे लाइक दिस। तो देखो इससे क्या फायदा हुआ कि हम लोग तिथर भी मूव करें दे, ये अपना पोजीशन मूव नहीं कर सकता, ये फिक्स्ड हो गया, क्योंकि चारों तरफ से इट्स फीलिंग अट्रैक्शन फ्रॉम ऑल दी फोर साइड, सो इट कांट चेंज इट्स शेप, बट हियर इट इज लीनियर, सो इट कैन मूव, जैसे लीनियर चेन फ्लेक्सिबल होता है वैसे ये फ्लेक्सिबल है, बट ये रिजिड हो जाता है। ठीक है, तो थर्मोसेटिन प्लास्टिक का यूजेस हम लोग कहाँ करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में यूजेस था, थर्मोसेटिन प्लास्टिक का यूजेस करते हैं जहाँ पर हार्ड सर्फेसेस बनने का रहता है, जैसे कि स्विचेस, जैसे हैंडल, हैंडल्स ऑफ जो भी वो सारे है, हैंडल्स ऑफ ब्रश ले लो, जैसे ब्रश का जो हैंडल है वो मेरा थर्मो सेटिंग है, लेकिन जो ब्रिसल्स है वो मेरा थर्मो प्लास्टिक है, बिकॉज ब्रिसल्स मेरा सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होता है, बट हैंडल्स जो है वो हार्ड होता है। ठीक है,
सर हाँ सर ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश तो नायलॉन से बनता है ना? हाँ नायलॉन से बनता है तो इसे वो सॉफ्ट होता है ना, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होता है तो उसको हम लोग रिसेप कर सकते हैं। लेकिन ब्रश का जो हैंडल है वो थर्मो प्लास्टिक नहीं है, वो थर्मोसेटिन है, देखना उसको हम लोग कभी भी मोल्ड करने के बाद वापस से रिसेप नहीं कर सकते। हालांकि घर में हम लोग रिसेप नहीं कर सकते, वो इंडस्ट्री में रिसेप वगैरह होता है। और एक पॉइंट छूटा है इसमें, ये तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्मोप्लास्टिक को बार बार यूज कर रहे हैं। तो बार बार यूज कर रहे मतलब क्या, बार बार मेल्ट कर रहे हैं, नया शेप बन रहा है, फिर से यूज हो रहा है, तो इट कैन बी रिसाइकल्ड। ठीक है, इट कैन बी रिसाइकल्ड बट थर्मोसेटिन इट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, इट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। इतना पॉइंट्स लिख लो, एग्जाम पे बहुत काम आएगा। 3, 5, 7 पॉइंट्स मोर देन इनफ है। आप डेफिनेशन के हिसाब से ही याद रखना है तो समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता और लिखने के टाइम भी जल्दी से याद आ जाएंगे। सर लाइक ऑल द प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑल द प्लास्टिक्स आर आल्सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट। All the plastics of bad conductor of heat. Somehow, but not too much. जैसे तो heat देने पर तो thermoplastic मतलब melt करता है ना, मतलब वो थोड़ा बहुत heat supply कर रहा है, उतना नहीं metal का तरह कि हम लोग पे heat करेंगे तो इस enter मेरा heat आ जाएगा, not like that. But यहाँ heat करेंगे तो उससे बदल तक मतलब side तक भी vicinity position तक तो heat supply होता ही है, तब जाते ही वो melt होना start करता है पूरा। तो हीट थोड़ा बहुत तो सप्लाई करता ही था थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, बट नॉट लाइक द मेटल्स, कि मेटल्स में यहाँ इस एंड पे अगर हीट करे तो इस एंड तक हीट आ जाता है, नॉट लाइक दैट। यहाँ हीट करें तो जस्ट उसका विसिनिटी पोजीशन तक हीट आता है, ठीक है, मतलब वो जो मेल्ट करता है बेसिकली उसी हीट से वो सप्लाई करता है। हो गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट हेडिंग चलो। सर हाँ, तो ये कुछ बोल रहे हो, वेट करे या फिर आगे बढ़े? सर तो है ना वो मेल्ट कर सकता है, नहीं हाँ तब नहीं होता, सॉरी तब वो थर्मोसेटिन ही होता। ओके, आई विल रीच इट एंड टेल यू। ओके सर, हम लोग का बुक में तो थर्मो टेफ्लॉन थर्मोप्लास्टिक लिखा है ना? यस सर, हम लोग के बुक में थर्मोप्लास्टिक लिखा हुआ है। तुमने तब उसमें थर्मोप्लास्टिक लिखा हुआ है तो वो प्रोटीन दिया हुआ है कि वो ऑयली सरफेस उस पे ना सर, टेफ्लॉन मेल्ट ऑन एक्सट्रीम हीट। हाँ वो हो सकता है, जस्ट सर इट इज यूज्ड एज अ नॉनस्टिक कोटिंग इन पैन्स एंड अदर कुक। वो हाँ तो वो सिर्फ स्टिक ऑयली स्टिक नहीं हो रहा है इसलिए हो रहा है। अब उसका मेल्टिंग पॉइंट हम तो चेक करना है कि वो मेल्ट हो रहा है कि
नहीं, अगर वो टेम्परेचर पे मेल्ट होने के बाद वापस से अपना शेप चेंज हो रहा है तब हम उसको थर्मोप्लास्टिसिटी बोलना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी थर्मोसेटिंग। तो अगर तुम लोग का दिया है कि वो मेल्ट कर रहा है तो इट विल बी, बट आई विल टेल यू आफ्टर डीचेक इट। ओके सर, बट इन माय बुक इट्स गिवन दैट इट इज नॉट अफेक्टेड बाय हीट। ओते वेट, आई विल टेल यू द ट्रूथ। ओते ओते एट प्रेजेंट जस्ट टू हेडिंग, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। हम बूथ में देख लेंगे एक बार तो फिर बताएंगे। सर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टेफ्लॉन इज 327 डिग्री सेल्सियस। 327 डिग्री सेल्सियस, देन ये तो मेल्ट होगा, इंडस्ट्री में तो मेल्ट होना ही है, तब जाते हम लोग इसको बोल सकते हैं। अच्छा हाँ, 327 बोलो ना। हाँ इट्स होते थर्मोप्लास्टिसिटी 327, देन इट इज, इट कैन बी मेल्ट, ये थर्मोप्लास्टिसिटी है, थर्मोसेटिंग नहीं होता। ठीक है, वो टोटिन जो हम लोग कर रहे हैं, मतलब वो टोटिन तो पैन का अंदर साइड पे टोटिन है ना, तो अंदर साइड का टोटिन हम लोग कहाँ यूज करते हैं, होम टोटिन में यूज करते हैं। होम टोटिन में 327 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कभी रीच नहीं कर पाएगा। जो हम लोग बर्नर पे वाटर भी बॉयल कर ले तो लास्ट टू लास्ट वो 100 पे जाता है। ठीक है, तो वो 327 हम लोग होम टूथिंग में यूज नहीं कर सकते, इसलिए मेल्ट नहीं करता इधर में, पर इंडस्ट्री में वो पॉसिबल है 327 तक रीच करना, तो इंडस्ट्री में वो मेल्ट करेगा और मेल्ट करते डिफरेंट शेप्स में जाता है। क्योंकि मान लो उसी जो टेफ्लॉन है तभी हम लोग पैन में यूज कर सकते हैं, तभी हम लोग दूसरे पॉट्स में भी यूज कर सकते हैं मेल्ट करने के बाद। That's why it is thermoplastic, okay, not thermosetting. Okay, sir. So there's a biodegradable and non-biodegradable. ठीक है, तो biodegradable का क्या मतलब होता है? Biodegradable का मतलब हुआ कि those substances या फिर those material which can be decomposed, okay, which can be decomposed through natural processes या फिर natural activity. Definition अभी मत लिखना, हम लिखाएंगे, ठीक है, ये समझने के लिए लिखो। ये decomposed होता है, decomposed by natural activity की है, and ये does not get decomposed, okay, not decomposed easily. उसको बोलते हैं non biodegradable, by natural activity. देखो non biodegradable, not decomposed by natural activity, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग उसको सभी डिकम्पोज नहीं कर सकते। इट कैन बी डिकम्पोज बाय केमिकल मींस, केमिकल मींस का मतलब हम लोग उस पर कुछ भी ऐसा केमिकल डालेंगे जिससे वो रिएक्शन कर जाए और फिर डिकम्पोज हो जाए। ठीक है, तो हेयर बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल इट बेस्ड ऑन बाय नेचुरल एक्टिविटी, ओनली ऑन द नेचुरल एक्टिविटी, ठीक है, नॉट बाय द केमिकल मींस। तो बायोडिग्रेडेबल का डेफिनेशन क्या होता है, मटेरियल, दोस मटेरियल या फिर दोस सब्सटेंसेस, कुछ भी बोलो, दोस मटेरियल व्हिच दे
decomposed through natural process such as bacteria. Basically bacteria se hota hai, such as bacteria is called biodegradable material. इसके बाद लिखना है इंस्टॉल बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता, पूरा लाइन सेम लिखो, विच नॉट इजीली डिकम्पोज्ड, दोज मटेरियल विच नॉट इजीली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल मीन्स ऑफ एक्टिविटी आर नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. कंप्लीट लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है. हुआ सर, प्लीज वेट. ये सर हो गया सर, डन हो गया सर, डन. नेक्स्ट देखो, अगर ये नेचर में डिकम्पोज हो जा रहा है नेचुरल एक्टिविटी से, सो इट विल बी harmful for nature or not? No sir. That means it's not harmful to nature. But it decompose nahi ho raha hai. Then means it is harmful to nature. एग्जाम्पल्स क्या होता है बायोडिग्रेडेबल्स का? सर पेपर, फूड स्टफ्स, वेजिटेबल पील, वेजिटेबल्स वेस्ट, पेपर, क्लोथ्स, ठीक है, जितने भी है, पेपर, वेजिटेबल्स, वेस्ट, क्लोथ्स, कॉटन, उलेन, फूड, ठीक है, ये सब हो जाएगा मेरा बायोडिग्रेडेबल. मतलब बेसिकली अगर नेचर से जो भी सब्सटेंसेस फॉर्म हुआ था, नेचुरली ऑथरिंग जो सब्सटेंसेस है, वो सब मेरे इजिली बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं. और जो केमिकल मीन से बनते हैं वो मेरे नॉन बायोडिग्रेडेबल होता, ठीक है. जैसे कि प्लास्टिक, हम तो पता है कि प्लास्टिक यूज करना हार्मफुल हो रहा है. प्लास्टिक क्यों हो रहा है? क्योंकि मिट्टी में अगर सॉइल में वो चला दिया प्लास्टिक, तो वो डिकम्पोज नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए वो प्लास्टिक हार्मफुल होता है. आते हैं लास्ट पॉइंट में, तो प्लास्टिक हुआ मेरा नॉन बायोडिग्रेडेबल. प्लास्टिक के साथ हम लोग तो जो मतलब ये लेते हैं, क्या बोलते हैं, एलुमिनियम का कंटेनर जिसपे तोल्डिंग आते हैं, टीन, देन ग्लास, ये सब हुआ मेरा नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. फिर कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट्स रस्ट हो जाएगा लेकिन वो डिकम्पोज नहीं कर रहा है, मेटल ऑब्जेक्ट्स, ये सब हुआ मेरा नॉन बायोडिग्रेडेबल. सर यस, मेटल तो रस्ट हो जाएगा. हाँ, मेटल रस्ट होता है लेकिन डिकम्पोज नहीं हो रहा है. मतलब ये सब देखो, जब डिकम्पोज होता है तो इससे हम लोग फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, मतलब डिकम्पोज हो जाता है पूरा. बट ये मेटल्स रस्ट हो जाता है लेकिन वो मेटल सरफेस रहता है. और रस्ट को डिकम्पोज नहीं बोलते, रस्ट इज न्यू केमिकल फॉर्म हुआ. रस्ट का मतलब इज न्यू केमिकल फॉर्म हुआ. Sir, done. ठीक है. Sir, done.
ओके सर डन नेक्स्ट हेडिंग पे लो डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग प्लास्टिक Disadvantages of using plastics. फैन चालू कर दिया। तो प्लास्टिक यूज का डिसएडवांटेज तुम लोग खुद ही बता सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लास्टिक मिला क्या है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल तो इट विल हार्मफुल फॉर द सॉयल एंड नेचर ठीक है तो जब हम लोग वो प्लास्टिक तो सॉइल में अगर सपोज वो चला दिया तो क्या करता है सॉइल के अंदर हम तो पता है हम लोग क्लास 7 में पढ़े थे सॉइल वाले चैप्टर में